बिना कोई अंडा बिना कोई ओवन आज हम तैयार करेंगे बहुत ही सरल विधि से ये आसान से कपकेक, जिनको हमने अलग अलग फ्लेवर में तैयार किया और ये इतने ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार होते हैं कि यकीन मानिए इनका टेक्सचर देखने के बाद आप बाजार के कपकेक्स को भूल जाने वाले हैं। पर इसको बनाना इतना आसान है कि अगर आप बेकिंग का बी भी नहीं जानते और कभी पहले बेकिंग भी नहीं की तो भी आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। तो घर के ही सामान से आज हम तैयार करेंगे सुपर टेस्टी और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी कपकेक्स। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं इसको बनाना। आज हम यहाँ पर इन कपकेक्स को गैस पर बेक करके बनाने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गैस पर रखा है एक हैवी तले का बर्तन। कोई भी बड़ी कढ़ाई या फिर इस तरीके का बर्तन ले लें और उसके अंदर हम रखेंगे कटोरी को उल्टा करके और उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। अब हम इसे प्रीहीट करेंगे ढक्कन लगाकर लगभग 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। अगर आप इन्हें ओटीजी या माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो उसे भी आप 10 मिनट तक के लिए प्रीहीट कर लीजिए 180 डिग्रीज पर। फ्रेंड्स, जब भी आप बेकिंग की कोई भी रेसिपी ट्राई कीजिए कहीं से भी, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है मेजरमेंट्स। बेकिंग में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसीलिए आपको इस तरीके के मेजरिंग स्पून्स और कप्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। तो ये बहुत ही इजीली और बहुत रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं, आप इन्हें ज़रूर परचेज करके रख लीजिए। इसी से मैं आपको सारा मेजरमेंट्स बताने वाली हूँ। यहाँ पर जितने भी कप्स होते हैं उनके ऊपर लेवल करके लिखा हुआ होता है कि 1 कप है या आधा कप है, तो उसी के हिसाब से हमें सारा मेजरमेंट्स लेना होता है। चलिए यहाँ पर जो मैं मेजरमेंट आपको बताऊँगी इन्हीं कप से नाप करके बताऊँगी, और 1 कप इक्विवेलेंट है 250 ml के जितना। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमें यूज़ करना है इन कपकेक्स को बनाने के लिए वो है फ्रेश दही। तो मैं यहाँ पर इस तरीके के जो कप में आता है दही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर घर का दही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात ये कि दही में पानी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए, एकदम गाढ़ा दही होना चाहिए। ये देखिए मेरे पास ये जो कप वाला जो दही था इसको मैंने आधे कप वाले मेजरिंग कप में इस तरीके से भर लिया, और ये देखिए कितना गाढ़ा दही है, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है। अब हम इस आधे कप से नाप करके दही को डालेंगे एक बोल में। अब इस दही के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप जितनी चीनी। तो मेरे पास 1/3 वाला जो मेजरिंग कप था ना उससे नाप करके मैंने यहाँ पर 1/3 कप जितनी चीनी ऐड कर दी। चीनी वही है नॉर्मली जो घर में इस्तेमाल करते हैं, बस उसे मिक्सी में चला करके मैंने पीस लिया था। तो आपकी बेकिंग की हर रेसिपी परफेक्ट बने इसके लिए एक जरूर बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बेकिंग के कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं तो हमेशा वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, यानी ना तो वो एकदम फ्रिज से निकाल करके आपको डायरेक्ट ऐड करने हैं ना ही उनको आपको गर्म करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना होता है। ये देखिए हमने इसे चीनी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप देखिए चीनी ने अपना मॉइस्चर रिलीज कर दिया जिसके कारण दही थोड़ा सा पतला हो गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर दही को पानी के साथ इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ राइजिंग एजेंट जो हमारे केक को एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाए रखने में मदद करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ, ये देखिए मेरे पास है 1/2 टीस्पून वाला चम्मच, और इसको मैं इस तरीके से भरूंगी बेकिंग पाउडर से। ये देखिए मैंने इसको ऊपर से लेवल कर दिया है। लेवल करने के बाद यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच जितना हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 छोटी चम्मच वाला स्पून, और इससे मैंने 1/2 फिल करके यहाँ पर और ऐड किया, यानी कि इन टोटल देखेंगे 1/2 टीस्पून + 1/8 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, और साथ में 1/4 छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा ऐड किया मैंने, यानी खाने वाला मीठा सोडा। तो बेकिंग पाउडर और सोडा दोनों ऐड करना, लेकिन क्वांटिटी खास ध्यान रखनी है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे विस्कर की मदद से। अब हम इसे 2 मिनट तक का रेस्ट देंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दही के साथ बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा और एकदम झाग जैसा इसका फ्रोथी टेक्सचर हो जाएगा। तो बस 2 मिनट के लिए आपको इसे साइड रख देना है। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम फोमी इसका टेक्सचर हो गया, ये देखिए एकदम झाग जैसा ऊपर आ गया। इस तरीके का जब टेक्सचर हो जाएगा तब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें ऐड करी हूँ रिफाइंड ऑयल, कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी रहेगी 1/4 कप के जितनी, यानी 50 ml के लगभग हमें यहाँ पर ऑयल ऐड करना है। फिर से एक बार विस्कर की मदद से इन सारी चीज़ों को एक बार आपस में मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे वेट इन्ग्रीडियंट्स थे वो सारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इस बोल के ऊपर लगाएंगे एक छन्नी, और छन्नी के ऊपर हमारा जो ड्राई इन्ग्रीडियंट है वो हम सिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 3/4 कप के जितना मैदा। 3/4 कप को अगर आप कप्स में मेजर करेंगे तो जो आधा कप वाला मेजरिंग कप था उससे भर लेना है आपको एक बार मैदा को, और उसके बाद जो 1/4 कप वाला कप है उसे एक बार और फिल करके डाल देना है। तो इन टोटल हो जाएगा 1/2 कप + 1/4 कप, इक्विवेलेंट होता है 3/4 कप के जितना। इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना, कोई भी अपनी चॉइस का एसेंस आप इसमें ऐड कर ले। मैंने यहाँ पर मिक्स फ्रूट एसेंस का इस्तेमाल किया है, आपके पास वेनिला एसेंस हो तो वो भी
आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें बहुत ही लाइट हैंड से इन सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से फोल्ड करना है। अब हम इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये मुझे थिक लग रहा है। इस मोमेंट पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। अब ये जो दूध भी हमें इसमें ऐड करना है ये एकदम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। देखिए मैंने 1 टेबलस्पून के अप्रॉक्स यहाँ पर दूध ऐड किया है, बस इससे ज्यादा की मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, जैसा कि हमें कपकेक बनाने के लिए चाहिए होती है। ये देखिए आप एकदम रिबन कंसिस्टेंसी पे आ चुका है ये बैटर, बस इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं और इससे ज्यादा पतला भी नहीं। तो इस बैटर को बहुत ज्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करना है, बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हम फटाफट से इसे तैयार किए हुए अपने मोल्ड्स में ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास है ये पेपर लाइनर, मैं इसमें आज इनको बेक करने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मली जो छोटे छोटे पेपर टी कप्स आते हैं आप उसमें भी इनको बना सकते हैं, बहुत ईजिली उसमें भी बेक हो जाते हैं। तो बस उसे आपको हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना पड़ेगा, इसमें ग्रीसिंग की जरूरत नहीं होती है। या फिर चाहे तो आप घर कोई छोटी कटोरी हो उसको आप नॉर्मली हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके उसमें थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करके भी इस बैटर को डाल करके अच्छी तरह से उसमें भी पका सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप जिस तरीके से बनाना चाहें आप बना लीजिए। अब मैं आपको इसके वेरिएशंस दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर एक बना रही हूँ चॉकलेट यानी कि लावा कपकेक। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले हमारा जो वेनीला वाला बैटर है वो डालना है, उसके बीच में यहाँ पर एक चॉकलेट का पीस रख देना है छोटा सा सेंटर में, और उसके ऊपर से फिर से हमारा जो ये बैटर तैयार किया हुआ ये ऐड कर देना है। जब ये बेक होगा तो अंदर से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और अंदर से आपको जो लावा वाला फील होता है वो इस कपकेक में आएगा। और इस मोल्ड को पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना है, थोड़ा सा गैप आपको छोड़ना है क्योंकि अच्छा खासा ये राइज होने वाला है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ दूसरा वेरिएशन जो कि है टूटी फ्रूटी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो कपकेक है उसका बैटर इसमें डाला है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेमन येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये जेल कलर है, आप इसमें लिक्विड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। आपने देखा ना टूटी फ्रूटी जो कपकेक होते हैं वो हल्के से लेमन येलो कलर के होते हैं, तो इसमें कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना कलर के भी इसको बना सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पर कलर टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है रेड और ग्रीन कलर की, इससे ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा वेरिएशन रेडी हो गया है। अब मैं आपको एक और वेरिएशन दिखाती हूँ। इसमें हमने थोड़ा सा बैटर ऐड करना है जैसे हमने चॉकलेट वाले कपकेक के लिए किया था, उसके बाद सीधे हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे नॉर्मली जो जैम होता है घरों में जो हम ब्रेड वगैरह के ऊपर बच्चों को देते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो उसी की फिलिंग हम यहाँ पर डाल देंगे इस बैटर के अंदर और उसके बाद ऊपर से हम इसे फिर से कवर कर देंगे इसी बैटर के साथ में। तो इस तरीके से आप और बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। आप ऊपर से चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसमें कोई भी अंदर सीक्रेट जो बच्चों को पसंद होता है वो फ्लेवर की फिलिंग बना के डाल सकते हैं। ओरियो यहाँ पर आप बिस्किट्स को क्रश करके डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास फ्रूट क्रश अवेलेबल है तो उसको आप मिक्स कर सकते हैं इस बैटर में, उससे आप बना सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएशन हैं, आप जो चाहें वो ट्राई कीजिए और बच्चों को सभी कुछ बहुत पसंद आते हैं। बच्चे इन सारी चीज़ों को देख करके ना मतलब बहुत एक्साइटेड फील करते हैं और उन्हें खाने का मन भी करता है। तो आप अपने हिसाब से इनको बना सकते हैं या फिर आप प्लेन वनीला कपकेक्स भी बना सकते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इन कपकेक को कौन से वेरिएशन के साथ बनाएंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा @festivefoodrecipes। चलिए हमारे कपकेक्स हो गए बिल्कुल तैयार, बारी आती है इनको बेक करने की। तो यहाँ पर हमारा जो ओवन वाला सेटअप है ये बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर हम 2 कपकेक्स को रख देंगे, बाकी के जो कपकेक्स हैं उनको मैं यहाँ पर ओवन में बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर गैस पर बेक करने के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर बेक कीजिएगा 5 मिनट के लिए। उसके बाद गैस को लो करके आपको इसे बेक करना है लगभग 20 से 25 मिनट तक के लिए। उतने में ये कपकेक्स बहुत आसानी से बेक हो जाएंगे और इनकी परफेक्ट पहचान क्या है, इस तरीके से ढक्कन हटाकर आप इसे सेंटर में टूथपिक डालकर चेक कर लीजिए। अगर ये बिल्कुल क्लीन आ रही है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर फिलिंग भी की है इसीलिए फिलिंग हो सकता है उसमें लग करके आए स्टिक में, लेकिन फिलिंग और बैटर में आप डिफरेंस जान सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपको इसे चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इन पे बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर भी आया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे फटाफट से बाहर निकाल करके रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो हमने OTG में बेक किए थे, OTG में बेक करने की जो टाइमिंग है वो है 180 डिग्रीज पर आप इन्हें बेक करें, मिडिल रैक पर प्लेस करें और आप इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए बेक करें बोथ रॉड्स की सेटिंग को ऑन करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ओवन वाला जो बैच था वो भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ पर एक और कॉमन डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए जो कपकेक्स को हमने बिना किसी फिलिंग के तैयार किया है ये बहुत अच्छे से राइज हुए हैं, लेकिन वहीं पर जहाँ पर हमने इसमें फिलिंग डाली है वो थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर से फ्लैट टॉप के साथ बना है। खाने में ये भी उतना ही सॉफ्ट है लेकिन इसका जो टॉप है वो उतना ज़्यादा राइज नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। जब हमने यहाँ पर चॉकलेट वगैरह चीज़ें ऐड की हैं तो जब वो मेल्ट होती हैं गर्म होते समय
तो वो हीट को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण ये टॉप थोड़ा सा फूलता है, उसके बाद वो नीचे की तरफ उसे खींच लेता है, इसके कारण इसका जो टॉप है वो फ्लैट नजर आता है, लेकिन खाने में उतने ही ज्यादा सॉफ्ट और उतने ही ज्यादा मजेदार बनके तैयार होते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन तक की होती है, आप इन्हें बिना फ्रिज के भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारे कपकेक्स बनके तैयार हुए हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए अपने अंदाज में, और रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को क्रिसमस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।